मैंने कहा मुझे मुझे शौक है, मैंने ज़िद की। उन्होंने मुझे ना ऐसा ऐसा 5 किलो उठवाना शुरू किया, करते 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 तकरीबन मैं जब 74 पे गया हूँ ना, 75 पे, तो अब मेरा नीचे वाला जबड़ा टूट गया। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेट हो चुका है, ये देखें चावल है इसमें। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये वज़न भी देखें ज़रा, 50 kg वज़न है जी कमो बेश। तो ये बच्चे का वज़न देख लें, ये भी तकरीबन 50 किलो का ही है। अपनी दांतों से साइकिल उठा चुके हैं, बाइक उठा चुके हैं, मेहरान कार को अपनी अपने दांतों से खींच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान, आप देख रहे हैं राइट्स ऑफ पाकिस्तान, हर समात और बसीरत को मेरा सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ आज वो टिकटॉकर मौजूद है जिसकी वीडियोस काफ़ी वायरल हुई हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने दांतों से वज़न उठाता है, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो, इवन के उसका कहना है कि वो 80 किलो वज़न भी उठाता है। अपनी दांतों से साइकिल उठा चुके हैं, बाइक उठा चुके हैं, मेहरान कार को अपनी अपने दांतों से खींच चुके हैं। आज इनका टाइम मिला है, इनसे जानते हैं कि आखिर कैसे ये परफॉर्म करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? ज़ाहिद अली, शुक्र अल्लाह ताला का। सर आप सुनाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं जाद भाई कि कैसे करते हैं यार, आपके दांत भी आम दांत हमारी तरह ही दांत है आपके, तो कैसे आप वज़न उठा लेते हैं? भाई ये काफ़ी अरसे की बात है, मैं ना अपने उस्ताद को देख रहा था, अखाड़े में गया था, तो वो दांतों से ना वज़न उठा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी शौक है। उन्हें कहा अभी तुम छोटे हो, अभी नहीं तुम उठा सकते। मैंने कहा मुझे शौक है, मैंने ज़िद की। उन्होंने मुझे ना ऐसा ऐसा 5 किलो उठवाना शुरू किया, करते 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 तकरीबन मैं जब 74 पे गया हूँ ना, 75 पे, तो अब मेरा नीचे वाला जबड़ा टूट गया मतलब। अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो लगाई हुई है, वो एक तस्वीर है कि वीडियो है, अंग्रेज़ों ने आपकी तस्वीर लगाई हुई है, वो अंग्रेज़ों का अकाउंट है, वो क्या सीन है? वो ना मैं अपने गांव में अखाड़े पे एक्सरसाइज कर रहा था, हमारा गांव में ना तरीकी चीज़ें काफ़ी पड़ी हैं, तो अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ ने ना वीडियो वगैरह बना रहे, तो अक्सर एक अंग्रेज़ की ना नज़र मेरे ऊपर पड़ी, उसने मुझे देखा कि ये लड़का है और ये दांतों से वज़न उठा रहा है, तो उसने मेरी ना एक तस्वीर ली और वो ट्विटर सोशल मीडिया पे उसने वायरल कर दी, तो वो मेरी तस्वीर काफ़ी वायरल हुई। और फिर मैं उसका नाम क्या, अक्सर घर में एक्सरसाइज करता था, मेलों पे जाता था, मेले पे ना काफ़ी लोग ना उधर उसका नाम कबड्डी देख रहे थे, तो मैं साइड पे खड़ा हुआ, मैंने देखा गाड़ी के सब नीचे ना रस्सी मतलब बांधी हुई है, तो मैंने मेहरान गाड़ी के रस्सी से ना गाड़ी को खींच लिया है, गाड़ी न्यूट्रल थी ना, उसको कोई गियर था, वो खींची काफ़ी दूर तक, काफ़ी लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी। वो लड़का सर्कस वाला आदमी कहता, यार आप तो बहुत हिम्मत वाले हो, आप मेरे साथ काम करोगे? मैंने कहा नहीं, मैं काम नहीं किसी के साथ करता। हाँ, कहते यार आप वैसे आप हमारे शो में आ जाओ, तो मैंने कहा चलें यार एक इस तरह करते हैं, आज के शो में मैं आपकी गाड़ी को खींच देता हूँ दांतों से, मतलब आगे से नहीं मैं खींचता। लेकिन अच्छा, इसमें कोई प्रैक्टिस थी आपकी या फर्स्ट टाइम आपने गाड़ी को ऐसे खींचा है? काफ़ी प्रैक्टिस थी मेरी, प्रैक्टिस की है तो यहाँ पर पहुँचा हूँ, 74 kg तक उठाया है मैंने। शुरू कहाँ से किया था आपने? 5 किलो से। और फिर आगे 74 kg तक प्लस है, 75 जब मैंने उठाया है ना, तो मेरा नीचे वाला जबड़ा टेढ़ा हो गया था, तो फिर मैंने गेम छोड़ दी, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू किया, अब मैं 50 kg तक उठा सकता हूँ। अच्छा, जब आप बता रहे हैं जैसे कि जबड़ा टूट गया, तो घर वालों ने मना नहीं किया कि दोबारा से फिर आप गेम कर रहे हैं? घर वाले मुझे डांटते थे, लेकिन मुझे शौक इस तरह का था। अच्छा, राज क्या है, आपके दांत इतने मजबूत हैं, क्या राज है, क्या डेली रूटीन में दुनिया जानना चाहेगी कि डेली रूटीन में ज़ाहिद जो है वो अपने दांतों की कोई एक्सरसाइज करता है या कोई ऐसा मंजन इस्तेमाल करता है, कोई टूथपेस्ट ऐसा इस्तेमाल करता है, क्या वजह इतने मजबूत दांत? जी मैं टूथपेस्ट वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करता, मैं सिर्फ करता हूँ तो मसवाक, आपने सुनी होगी मसवाक करता हूँ, और उसका नाम क्या देसी रोटी मिलावट से पाक, मतलब गंदम वगैरह वो खाता हूँ और दूध वगैरह पीता हूँ, मतलब खालिस चीज़ें मैं खाता हूँ, मैं ना कोई नशा पान सिगरेट कुछ भी नहीं पीता। अच्छा, ये आपने जो शौक किया है, कोई उस्ताद भी होगा, किसी से सीखा है या ये खुद ही आपको किसी फैमिली में कोई सिखाने वाला था या बाहर किसी से सीखा है? मेरा उस्ताद भी था और मेरे दादा अबू के भाई भी थे, वो भी कबड्डी खेलते थे, उनकी डेथ हो गई तो फिर मैंने यहाँ पे लाहौर में आ गया, तो यहाँ पे मेरे उस्ताद हैं ज़हीर गुज्जर साहब, वो उठाते थे, उनको मैंने देखा तो फिर मैं उनसे ही सीखा गया, आगे बढ़ता गया। अच्छा ज़ाहिद साहब, आज क्या आप हमारी नाज़रीन को क्या परफॉर्म करके दिखाएंगे? नाज़रीन, चावलों का तोड़ा है, तो ज़ाहिद साहब आज तोड़ा उठाने वाले हैं, 50 kg वज़न है इसका। ज़ाहिद साहब ज़रा चावल दिखाइएगा नाज़रीन को, तो नाज़रीन ये देखें चावलों का तोड़ा और ज़ाहिद साहब परफॉर्म करेंगे। जी बिस्मिल्लाह करें ज़ाहिद साहब। मुश्किल है नाज़रीन, देखें बिल्कुल तोड़ा जो है वो हवा में है, ये देखें माशाल्लाह, इतना इस बच्चे का खुद का वज़न है और इतना इसने वज़न उठा लिया है,
क्या बात है जाहिद साहब, ज़बरदस्त यार। अच्छा जाहिद साहब, नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो 16-17 साल का लड़का है, सोशल मीडिया पे भी इसकी धूम है वज़न उठाने के वाले से, आम ज़िंदगी में क्या करता है? स्टडी कर रहे हो, कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? जी मैं स्टडी भी करता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं शाम टाइम अकेडमी में जाता हूँ, सुबह टाइम मैं वोकेशनल में जाता हूँ, अभी मैं मशीनर्स का कोर्स कर रहा हूँ और मैं इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ। आगे मेरा ये है कि मैं अपना पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ। ये दुआएं हैं जाहिद भाई के साथ। जाहिद भाई हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपने दांतों से वज़न उठाते हैं और इस वजह से काफ़ी फेमस हैं। बाइक उठा चुके हैं, साइकिल उठा चुके हैं, अपने दांतों से मेहरान गाड़ी तक खींच चुके हैं। इनकी स्टोरी के लिए कोई कमेंट कीजिए, इनको लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।